नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जस्ट नॉलेज पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुमार विनय और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के बारे में। भारत की संसद पर यह हम लोगों का भाग दो होगा। भाग एक के अंतर्गत हम लोगों ने संसद के बारे में, हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या हैं उनके बारे में बात की थी, संसद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में चर्चा की थी और उस टॉपिक से जुड़े हुए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने पहले भाग का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको पहले भाग का वीडियो मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज यह हमारा संसद के ऊपर भाग दो होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे संसद के अंदर जो प्रस्ताव होते हैं, संसद के सत्र किस प्रकार से होते हैं और संसद में जो पेश किए जाते हैं विधेयक, उन विधेयकों का प्रकार किस तरह से होता है। और वीडियो के लास्ट में हम हमेशा की तरह 30 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो यह आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो होगा, जिसमें हम शुरुआत में थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और बाद में उस टॉपिक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, उसके अलावा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संसद के सत्र के बारे में। तो संसद के सत्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि किस प्रकार से संसद के सत्र को बुलाया जाता है। मतलब क्या हुआ, देखिए सत्र की बात की जा रही है तो आप लोगों ने सुना होगा कि संसद के सत्र चलते हैं कुछ गर्मियों के सीजन में, कुछ बरसात के मौसम में, कुछ शीत ऋतु में। तो इस तरह से संसद के सत्र का तात्पर्य होता है कि जब विधि निर्माण की प्रक्रिया के लिए संसद के जो दोनों सदन हैं, चाहे हम बात करें लोकसभा की चाहे हम बात करें राज्यसभा की, इनके मेंबर जब संसद में उपस्थित होते हैं तो उसी को हम लोग संसद का सत्र कहते हैं। तो संसद के सत्र को आहूत किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के प्रत्येक सदन को समन जारी करता है। समन जारी करने का तात्पर्य क्या हुआ कि वह जितने भी मेंबर होते हैं हमारे संसद के, चाहे वह लोकसभा के हों चाहे वह राज्यसभा के हों, उनको इनवाइट करता है या उनको बुलाता है कि आप संसद में अब आइए, संसद की बैठक प्रारंभ होने वाली है। और इसी तरह से जो हमारे संसद के दोनों सदन होते हैं उनके बीच में जो अधिकतम समय अंतराल होता है वह 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को अगर संसद का कोई सत्र समाप्त हो रहा है तो 1 जुलाई से पहले संसद का अगला सत्र शुरू हो जाना चाहिए। मतलब इसके बीच में, दो सत्रों के बीच में जो गैप होता है, जो समय अंतराल होता है वह 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बताई गई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारे देश की संसद है उसमें कितने प्रकार के सत्र होते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले मानसून सत्र शुरू हुआ है जो कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलेगा। तो इसी प्रकार से हमारे संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र होता है जो कि फरवरी से मई तक चलता है। फरवरी के स्टार्टिंग में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, बजट पर चर्चा होती है। तो इस तरह से जो सारे प्रावधान होते हैं वह बजट सत्र के अंतर्गत होते हैं फरवरी से मई तक। उसके बाद में दूसरा हमारा होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है और वर्तमान में हमारा मानसून सत्र ही चल रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो शीतकालीन सत्र होता है जिसकी समयावधि जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा कम होती है और यह नवंबर और दिसंबर में इसकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि संसद के सत्र के आहूत करने से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यही है कि राष्ट्रपति सभा में उपस्थित होने के लिए सभी संसदों को आदेश देता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं अस्थगन के बारे में, यानी कि जो सत्र है वह किस प्रकार से स्थगित होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि जो संसद का सत्र होता है उसमें कई बैठकें होती हैं। जैसे मान लीजिए आज से कोई सत्र प्रारंभ हुआ तो पहली बैठक आज हुई, फिर दूसरी बैठक कल होगी, इस प्रकार से तीसरी, इस प्रकार से चौथी। तो एक बार जब सत्र बुलाया जाता है तो उसके दौरान काफ़ी सारी संसद में बैठकें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि संसद का जो सत्र होता है
उसे स्थगित किया जा सकता है निश्चित काल के लिए, या उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है, या सत्रावसान किया जा सकता है, या संसद को विघटित किया जा सकता है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे सत्रावसान और विघटन के बारे में, हम अभी बात कर रहे हैं स्थगन के बारे में। तो स्थगन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे संसद का सत्र चल रहा है, जो बैठकें चल रही हैं, उनको कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो यह निश्चित समय होता है, या कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ महीने के लिए भी हो सकता है, इस प्रकार से इसको स्थगित किया जा सकता है। आप लोगों ने अगर लोकसभा चैनल पर डिबेट देखते होंगे संसद में जो होती हैं, तो वहाँ पर देखते होंगे कई बार क्या होता है कि जो मामला होता है काफ़ी गर्मा गर्मी वाला हो जाता है, तो उस स्थिति में संसद के सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। तो स्थगन दो प्रकार से हो सकता है, एक हमारा निश्चित काल के लिए होता है और दूसरा हमारा अनिश्चित काल के लिए होता है। अब आगे हम बात करते हैं सत्रावसान के बारे में। सत्रावसान क्या होता है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सत्रावसान यानी कि सत्र प्लस अवसान, तो सत्र को समाप्त कर देना। मतलब कि जैसे संसद में कोई सत्र प्रारंभ हो रहा है, जैसे इस समय मानसून सत्र प्रारंभ हो गया है जुलाई में, तो मैंने क्या बताया कि यह जाकर के सितंबर में समाप्त हो जाएगा। तो जो यह सत्र बुलाया गया है, यह जाकर के सितंबर में समाप्त हो जाएगा, तो उस स्थिति को हम कहेंगे सत्रावसान, यानी कि संसद के जो सदस्य हैं उनको सूचना दे दी जाएगी कि संसद का यह सत्र अब समाप्त हो रहा है, अब आपको कल से नहीं आना है। तो वही चीज़ें बताई गई हैं सत्रावसान में। सत्रावसान के बारे में जो घोषणा होती है, वह हमारे लोकसभा में कौन करता है? अध्यक्ष करता है। लोकसभा में हमारा अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा में इसकी घोषणा सभापति के द्वारा की जाती है। जब एक बार में कोई सत्र पूरा हो जाता है, तो संसद का जो सत्र होता है उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। एक बात यहां पर और ध्यान रखिएगा कि इसकी घोषणा जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सॉरी इसकी जो घोषणा है वह अध्यक्ष और सभापति के द्वारा की जाती है, और बाद में राष्ट्रपति इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वह संसद का जब सत्र चल रहा होता है, तो उसके दौरान भी इस प्रकार से सत्रावसान कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं विघटन के बारे में। तो विघटन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा लोकसभा होता है वह एक स्थायी सदन होता है, सॉरी जो हमारा राज्यसभा होता है वह एक स्थायी सदन होता है, और लोकसभा हमारी अस्थायी सदन होती है। अस्थायी सदन होने का मतलब क्या है कि जो हमारी राज्यसभा है वह कभी विघटित नहीं होती है, उसके 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 सालों के बाद में इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन जो हमारा लोकसभा होता है वह विघटित हो जाता है। अब विघटित होने की क्या शर्तें हैं, आइए उन शर्तों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहली शर्त तो यह है कि जब हमारे लोकसभा में कोई कार्यकाल पूरा हो जाता है, किसी लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वह उसके बाद विघटित हो जाती है, क्योंकि एक बार चुनाव होने के बाद में कोई लोकसभा 5 सालों तक चलती है, 5 साल के बाद वह विघटित हो जाती है। तो पहली शर्त तो यह हो गई। दूसरी शर्त है कि राष्ट्रपति जो हमारा होता है वह सदन को विघटित करने का निर्णय ले। अब ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति का जब मन किया तो उसने विघटित कर दिया। इसके लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं। जब तक जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जैसे वर्तमान में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब अभी आपने देखा होगा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे क्या होता है। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव हमारे संसद में पास हो गया होता, तो उसके बाद में यह सरकार गिर जाती, यानी कि लोकसभा का विघटन किया हो जाता और समय से पहले चुनाव कराए जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो विघटन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि 2 स्थितियों में विघटन किया जाता है लोकसभा का, या तो कार्यकाल पूरा हो जाए, जो वर्तमान में लोकसभा कार्य कर रही है, या उसमें जो उनका बहुमत है वह समाप्त हो जाए, या वह किसी परिस्थिति में अपने बहुमत को सिद्ध ना कर पाए, इस स्थिति में लोकसभा का विघटन हो जाता है। अब हम बात करते हैं संसद की कार्यवाही के बारे में कि संसद में किस प्रकार से कार्यवाही होती है। जितने भी हमारे मेंबर होते हैं संसद में, उनको उपस्थित हो जाना पड़ता है कितने बजे?
11 बजे। कितने बजे? 11 बजे वे लोग आ जाते हैं संसद में, और उसके बाद में जो संसद की कार्यवाही है वह चलती है 6 बजे तक। 6 बजे तक चलती है यह लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए यह चलती है 5 बजे तक। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि संसद में ये जो सत्र होते हैं, जो कार्यवाही होती है, यह किस प्रकार से होती है। शुरुआत में जो 1 घंटा होता है, यानी कि 11 बजे हमारा सत्र प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत का जो 1 घंटा होता है यानी कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, इसे हम लोग कहते हैं शून्यकाल, नहीं प्रश्नकाल कहते हैं। इसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। तो प्रश्नकाल का मतलब क्या हुआ? नाम से स्पष्ट है, प्रश्नकाल। इसके अंतर्गत यानी कि जो यह 1 घंटे का समय होता है, इसमें मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है। अब सवाल उठता है कि भाई प्रश्न पूछेगा कौन और किससे? तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे एमपी होते हैं, एमपी का मतलब कौन हो गया, चाहे वह रूलिंग पार्टी के एमपी हो या अपोजिट पार्टी के एमपी हो, वह सारे लोग सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से, मंत्री से। मंत्री से क्यों पूछते हैं? क्योंकि मंत्री ही हमारी कार्यपालिका होती है, हमारी संसद की जो कार्यपालिका है वह संपूर्ण मंत्रिमंडल होती है। अब जैसे किसी मंत्री के अंतर्गत कोई विभाग दिया गया है, उस विभाग में कोई खामियां हैं या वह विभाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो जो हमारी ये सदस्य होते हैं संसद के, ये सारे मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। अब इन सवालों की प्रकृति भी अलग अलग तरीके से होती है, हो सकता है कुछ मौखिक सवाल हो सकता है कुछ लिखित सवाल हो, तो अलग अलग प्रकृति में ये सवाल पूछे जाते हैं। जो इनके प्रश्नों की सूची होती है वो अलग अलग कागजों पर भेजी जाती है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। इतना ध्यान रखिएगा कि शुरुआती 1 घंटे का जो समय होता है 11 बजे से 12 बजे तक, उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं, और इसके दौरान जो हमारे संसद के सदस्य हैं वह हमारे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं किसी मुद्दे पर। तो अब हम आगे बात करते हैं, 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं शून्यकाल या जीरो हावर, जिसे हम लोग कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल बेसिकली हमारे संविधान में कहीं वर्णित नहीं किया गया है, और यह दुनिया को भारत की देन है। यानी कि सबसे पहले संसद की कार्यवाही के दौरान जो शून्यकाल को अडॉप्ट किया गया, यह भारत में ही अडॉप्ट किया गया। कब? 1962 में शून्यकाल को अडॉप्ट किया गया है, और इसके दौरान भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रश्नकाल के दौरान बताया। तो प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है कि कुछ पहले से सूचना दी जाती है कि आज प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन शून्यकाल के दौरान ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई होती है, और इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के ही हमारे जो मंत्री होते हैं उनसे सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दो चीज़ कि शून्यकाल सबसे पहले भारत में शुरू किया गया था, और इसे 1962 में शुरू किया गया था, और यह भी प्रश्नकाल की भांति ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में पहले से सदन को सूचना नहीं दी गई होती है। अब 1 बजे से 2 बजे का समय होता है, इसे हम लोग कहते हैं लंच, यानी कि 2 घंटे। अब इतना बातचीत करने के बाद में जाहिर सी बात है भूख लग जाएगी, तो सब चले जाएंगे कैंटीन में, वहाँ से खाना वाना खाने के बाद में आराम से 2 बजे आएंगे। फिर 2 बजे से जो हमारे संसद का मुख्य कार्य है वह समाप्त होता है। तो यह 2 बजे से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 6 बजे तक, यानी कि कुल मिलाकर 4 घंटे मुख्य रूप से संसद में कार्य होते हैं। तो इन 4 घंटों के दौरान होता क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संसद हमारे यहाँ की विधायिका है, संसद के द्वारा ही देश के नागरिकों के हित में, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए या देश के नागरिकों का बेहतर जीवन देने के लिए संसद के द्वारा ही विधि का निर्माण किया जाता है। तो 2 से 6 बजे के दौरान संसद में जो हमारे कोई विधेयक होता है उन सब पर चर्चा होती है, या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वह सारी प्रक्रियाएं 2 बजे से 6 बजे के बीच होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है यह लोकसभा में तो शाम के 6 बजे तक होती है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि यह प्रक्रिया लोकसभा में 2 बजे से 6 बजे तक होती है, लेकिन अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा में यह 5 बजे तक होती है। तो इस तरह से हमारे संसद में कार्यवाही होती है। अब हम बात करते हैं प्रस्ताव के बारे में। तो अभी हालिया दिनों में अविश्वास प्रस्ताव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, और जिस दिन इस पर बहस होनी थी उस दिन भी आप लोगों ने तो देखा ही होगा, राहुल गांधी, मिस्टर पप्पू जाकर के प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले थे और
काफी विवाद भी हुआ था बाद में जाकर के, उन्होंने आंख भी मारी थी प्रिया प्रकाश की तरह, तो इस पर काफी कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि आखिर में यह जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसका मुख्य रूप से मतलब क्या होता है। देखिए हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 75 है, 75 आप लोगों ने देखा होगा, तो 75 में यही बताया गया है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है, जो हमारी पूरी मंत्रिपरिषद है, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। लेकिन जो हमारा यह मंत्रिमंडल है इसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब अभी हाल ही के दिनों में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसमें क्या था कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य स्पेशल राज्य का स्टेटस मांग रहा था। स्पेशल राज्य के बारे में हम जानेंगे, तो स्पेशल राज्य का स्टेटस मांग रहा था और उसको केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो उसके बाद में जो वहाँ के कुछ सांसद थे रूलिंग पार्टी के, उन सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव को शुरू किया और इसे संसद में पेश किया गया, हालांकि यह पास नहीं हो पाया। बेसिकली क्या होता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव किसी भी रूलिंग पार्टी के समक्ष लाया जाता है तो उसे सदन में अपने बहुमत को सिद्ध करना होता है। जैसे कि वर्तमान में 545 सीटें हैं तो 272 बहुमत सिद्ध करना होगा रूलिंग पार्टी को। अगर यह अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है तो उस स्थिति में इस मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा और जो हमारा सदन है वह विघटित हो जाएगा। लेकिन जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके पास में संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो महज यह बताया गया था कि यह केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बहुमत था रूलिंग पार्टी के पास में। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि जब इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसके समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है, यानी कि जब 50 सदस्यों की सहमति के बाद में अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा तभी इसको स्वीकार किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब हम बात करते हैं आगे, अविश्वास प्रस्ताव के बाद में हम बात करेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में, प्रिविलेज मोशन जिसे हम लोग कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है इस प्रकार का कोई मोशन। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमारे जो मंत्री होते हैं उनको संसद के द्वारा कुछ विशेषाधिकार दिए गए होते हैं। जब किसी मंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा उन विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पार्टिकुलर मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारा मंत्री है उसकी निंदा की जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है उसके विभाग में काम ठीक से नहीं हो रहा है या कुछ गलत काम हो रहा है उसके विभाग के अंतर्गत, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है और इसके माध्यम से उस मंत्री की निंदा की जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना अविश्वास प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में। तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई मामला है, जैसे वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मामले चल रहे हैं, जैसे साबरमती जो हमारा टेम्पल है उसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर के मामला हो गया, तो इस तरह के जो मामले होते हैं उन मामलों को संसद में उठाने के लिए, यानी कि उन मामलों पर चर्चा करने के लिए तत्काल उन पर चर्चा हो, उनके संबंध में बात की जाए, उनके संबंध में विधि का निर्माण किया जाए, या LSBT हो गए जो हमारे, तो या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हो गए, इन तरह के जो हमारे लोक महत्व के मुद्दे हैं जिनसे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, इस तरीके के मुद्दे को उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव को लाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव के समर्थन में भी 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। फिर हम आगे बात करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो जब हमारे संसद का प्रथम सत्र होता है, यानी कि जब नई लोकसभा बनती है, नई लोकसभा के बाद में जब इसका प्रथम सत्र होता है तो उसमें जो हमारा राष्ट्रपति होता है वह भाषण देता है, यानी कि नए सत्र को वह संबोधित करता है। ठीक उसी प्रकार से जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष को भी हमारा राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो इस तरह से जो हमारा राष्ट्रपति का संबोधन होता है उसके बाद में संसद के दोनों सदनों में उस पर चर्चा होती है, यानी कि जो चुनाव के प्रथम
और वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सदन में राष्ट्रपति का संबोधन होता है तो राष्ट्रपति के संबोधन के बाद में दोनों सदनों में इसकी चर्चा होती है, जिसे हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। और यह प्रस्ताव मुख्य रूप से सदन में पास होना जरूरी होता है, क्योंकि यह जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में बताती है, तो इसीलिए धन्यवाद प्रस्ताव को पास होना जरूरी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे मोशन से दिन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधेयकों के बारे में कि विधेयक जो हमारे होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले विधेयक क्या होते हैं, यानी कि बिल, जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं। जब हमारे संसद में किसी विषय के संबंध में कोई कानून बनाना होता है तो जिस कागज पर या जिस प्रपत्र पर उस बिल के उस विधि के संबंध में सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं, जिसको लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विधेयक। आपको स्पष्ट हो गया है कि विधेयक क्या होता है। अब हम जानते हैं कि विधेयक क्या होते हैं, यह हम लोगों ने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम संसद के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे संसद में दो विधेयक हो सकते हैं। एक तो हमारे होते हैं सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे विधेयक जो प्रस्तुत किए जाते हैं हमारे मंत्रियों के द्वारा। किनके द्वारा? जो विधेयक पेश किए जाते हैं हमारे मंत्रियों के द्वारा। उसके अलावा कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो हमारे गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पेश किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे अन्य मेंबर होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं संसद के, उनके द्वारा पेश किए जाते हैं, तो उनको हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो दोनों विधेयकों को सदन में पारित करने की प्रक्रियाएं तो समान होती हैं, लेकिन इसके अलावा अब इन विधेयकों को हम विशेष भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहले हमारा हो गया साधारण विधेयक, साधारण विधेयक हो गया। उसके बाद में अगला हमारा हो गया धन विधेयक, धन विधेयक के बाद में हमारा हो गया वित्त विधेयक, वित्त विधेयक के बाद में हमारा हो गया संविधान संशोधन विधेयक। यानी कि कुल मिलाकर के चार प्रकार के विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक का मतलब हुआ वह सारे विधेयक जिनमें वित्त से संबंधित कोई चर्चाएं नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं साधारण विधेयक। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धन विधेयक यानी कि ऐसे विधेयक जिनमें नए कर को लगाने को लेकर के या जो हमारा लोक व्यय होता है, जो हमारे सरकार के द्वारा खर्चे होते हैं, उनके संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे हम धन विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वित्त विधेयक भी मुख्य रूप से हमारे धन विधेयक ही होते हैं, धन विधेयक की तरह ही होते हैं, लेकिन ये इससे कुछ अलग होते हैं। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो हमारे वित्त विधेयक होते हैं, जो हमारे धन विधेयक होते हैं, जब इस तरह का कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है हमारे संविधान में, तो वहां पर जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास में यह शक्ति होती है कि वह डिसाइड करे कि जो विधेयक हमारे संसद में प्रस्तुत किया गया है वह वित्त विधेयक है या धन विधेयक है। धन विधेयक के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है। तो कंप्लीटली यह होता है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास में पावर कि वह विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में स्वीकार करता है या इसे धन विधेयक के रूप में स्वीकार करता है। उसके बाद में हमारा चतुर्थ विधेयक जो होता है वह संविधान संशोधन विधेयक होता है, यानी कि ऐसे विधेयक जिनके माध्यम से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है, ऐसे विधेयकों को हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो विधेयकों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि है साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इन अंतर को हम एक बार देख लेते हैं। साधारण विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो साधारण विधेयक को केवल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पारित किया जा सकता है। यानी कि अगर साधारण विधेयक को पेश करना है तो उसे आप चाहे लोकसभा में पूरा स्थापित करें या उसे राज्यसभा में स्थापित करें, दोनों में से किसी भी सदन में इसे पूरा स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे धन विधेयक होते हैं वह सिर्फ लोकसभा में ही पूरा स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद में अगर हम साधारण विधेयक के बारे में बात करें तो यह जो विधेयक होता है साधारण विधेयक, इसे संसद के किसी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। संसद के किसी सदस्य का मतलब क्या हुआ कि वह कोई अपोजिट पार्टी का मेंबर भी हो गया, जो कि संसद में सदस्य है, रूलिंग पार्टी का मेंबर हो गया, या फिर हमारा कोई मंत्री हो गया, इन तीनों में से कोई भी इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में तो मुख्य रूप से जो धन विधेयक होता है वह हमारे मंत्री के द्वारा ही पूरा स्थापित किया जाता है।
आगे अगर हम बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में, तो इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे साधारण विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, तो लोकसभा में पास हो जाने के बाद में इसे राज्यसभा में भेजा गया, तो राज्यसभा इसको संशोधित भी कर सकती है या इसे अस्वीकार भी कर सकती है। लेकिन अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें, तो धन विधेयक को ना तो राज्यसभा संशोधित कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकृत कर सकती है। यानी कि अगर धन विधेयक भेजा जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा को ना तो इसमें संशोधन करने का कोई अधिकार है और ना ही इसे अस्वीकार करने का कोई अधिकार दिया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में, तो इसे प्रस्तुत करने से पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी सहमति आवश्यक नहीं होती है। यानी कि राष्ट्रपति की सहमति के पूर्व भी इसे सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे धन विधेयक हैं उनको पूरा स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की संतुति आवश्यक होती है। आगे अगर हम बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में, तो इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। लेकिन जो हमारे धन विधेयक होते हैं उनको 14 दिनों तक केवल राज्यसभा रोक सकती है। अगर मान लीजिए राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों से ज़्यादा के समय के लिए रोक लेती है, तो इसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने संसद के संबंध में जितने प्रोविजन थे उनको जाने। अगला जो पार्ट होगा संसद के संबंध में, उसमें हम संसद में जो संयुक्त बैठक होती है, संसद के में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रकार से हमारे जो विधेयक होते हैं उनको पारित किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अब हम आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कम संसद की बैठक कितनी बार होना आवश्यक है। तो मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कम से कम संसद की बैठक 2 बार होना आवश्यक होता है। एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है, यानी कि दोनों सदनों की बैठकों के बीच में जो समय अंतराल होता है वह 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। तो यह तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा संसद होता है उसके 3 अभिन्न अंग है। पहला हमारा हो गया लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को निर्धारित करता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 105 है, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जो हमारा संसद है उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों को बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद 105 के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि मंत्री के विरुद्ध जो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है जब वह किसी तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही होगा। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारे राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं वह लोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में भाग ले सकते हैं। किस प्रकार से, मैंने आपको पहले बताया था कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं हमारे उनको चुना जाता है किसके द्वारा, विधायकों के द्वारा, जाहिर सी बात है किसके द्वारा, एमएलए के द्वारा। और जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको देश की जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जो हमारे राज्य विधानमंडल में सदस्य होते हैं भैया, वो एमएलए तो हैं ही, लेकिन उसके साथ वो भारत के नागरिक भी हैं, यानी कि उनके यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वह उस प्रत्याशी को वोट जरूर देंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं वह दोनों के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो बिल्कुल गलत है, दोनों में हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की संविधान में प्रावधान है, बिल्कुल सही है। किसी मनोनीत सदस्य को मंत्रिपरिषद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं किया गया है, ये बिल्कुल
सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में यहां पर 12 सदस्य हैं, या 2 सदस्य लोकसभा में है। तीसरा जो ऑप्शन है यह गलत होगा, यानी कि जो हमारा मनोनीत सदस्य होगा उसको भी मंत्री पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है, और इस तरह के किसी भी नियुक्ति को हमारे संविधान के द्वारा रोका नहीं गया है, इसी के बारे में यहां पर बताया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। देखिए थोड़ा प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूं, तो अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कब बना सकती है? मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उसके बाद में संघ सूची। तो जो हमारा राज्य सूची के विषय है उस पर जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है, कोई संकल्प पारित कर देती है, तो संसद उसके संबंध में कानून बना सकती है। अगला हमारा जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है? तो ध्यान रखिएगा कि इसके मामले में संसद कोई कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए, और इसके संबंध में किसी भी राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी होगा वह यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने को से रोककर अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है क्या? बैठ जाना, यानी कि वह किसी सदस्य को बैठा करके किसी अन्य सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो मैंने आपको बताया कि यह हमारे भारत की ही देन है। लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि होती है वह कितनी हो सकती है? तो यह जो अवधि है वह 1 घंटे की हो सकती है। संसद में जो शून्यकाल का समय होता है वह कितने बजे से कितने बजे तक होता है? तो यह जो हमारा समय होता है यह 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। 11 से 12 तक हमारा प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 हमारा शून्यकाल होता है, उसके बाद में 1 से 2 तक लंच होता है, 2 से 5 तक हमारे राज्यसभा में विधायी प्रक्रियाएं चलती हैं, और 2 से 6 तक हमारे लोकसभा में जो सारी प्रक्रियाएं हैं वे चलती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 253 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर जो हमारा कथन सी है वह सही है, यानी कि धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो लास्ट में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन अगर यह कोई साधारण विधेयक हो तो इसे 6 महीने के लिए हमारी राज्यसभा रोक सकती है। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संसद में संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। तो मैंने आपको बताया था कि संसद में जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की जो सबसे पहली संयुक्त बैठक थी वह कब बुलाई गई थी? तो जब हमारे यहाँ पर एक दहेज उन्मूलन विधेयक पारित किया जाना था तो उसके बाद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पहली बार बुलाई गई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो मैंने आपको बताया भी था, और यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी विधेयक हम लोगों ने पढ़ा, अगर संविधान संशोधन विधेयक होगा तो उस स्थिति में जो हमारी संयुक्त बैठक है वह नहीं बुलाई जाएगी। अगर हमारा कोई साधारण विधेयक हुआ तो उस स्थिति में यह हमारी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। कोई वित्त विधेयक हुआ तो उस स्थिति में भी नहीं बुलाई जाएगी। यानी कि जो हमारे संसद में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वह केवल साधारण विधेयक की परिस्थिति में ही बुलाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि कोई कानूनी विधेयक जो होता है वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे हम लोकसभा की बात करें या फिर हम बात करें राज्यसभा की। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की जो संचित निधि होती है उस पर जो धन निकाला जाता है वह संसद की
स्वीकृति के बाद में ही निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भी भारत की संचित नीति पर भारित नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में भारत के संचित नीति में चर्चा नहीं की गई है। अनुच्छेद 112 में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश से महालेखा परीक्षक हैं इन सभी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता है वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। अब कैसे नहीं भारित है यह जान लीजिए। देखिए, मैंने आपको उपराष्ट्रपति वाले अध्याय में बताया था कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो जब वह सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसको जो वेतन मिलता है या उसको जो भत्ता मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। तो जब वह सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन और भत्ते नहीं मिलते हैं। यानी कि जब भैया उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन और भत्ते मिलते ही नहीं है उस व्यक्ति को, तो वह किसी निधि पर कैसे भारित होंगे? यानी कि जो भी हमारे उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो जो हमारी इमरजेंसी फंड होती है, कंटिनजेंसी फंड होती है, तो आकस्मिक परिस्थितियों के लिए इसे व्यय किया जाता है। तो यह संसद की स्वीकृति के पूर्व भी खर्च किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यह धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक के संबंध में जो निर्णय होता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? बी, यानी कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा विषय धन विधेयक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो हमारा जुर्माना लगाया जाता है या जो किसी के ऊपर अर्थदंड लगाया जाता है उससे संबंधित उपबंध हमारे धन विधेयक में नहीं है। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसको कि धन विधेयक में और वित्त विधेयक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है या दोनों के मध्य में क्या अंतर होता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है, यानी कि जो संसद के समेकित निधि है उसको प्रभारित व्यय को बढ़ाने की जो शक्ति प्राप्त है यह सही नहीं है। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब संसद के आखिरी वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से टिपिकल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगले वीडियो में हमारा संसद का जो यह अध्याय है वह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने कोई तथ्य छोड़ दिया हो या कोई तथ्य आपको ना समझ में आया हो तो उसके संबंध में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी को दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।